हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो मेरा नाम है दीपक। पिछली वाली वीडियो में हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस कर चुके थे। मैं कोशिश करूँगा कि इस वाली वीडियो में हम लोग कुछ ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस करें। तो हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, पर वीडियो को पूरी देखना क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 27वां क्वेश्चन है, यदि टंगस्टन इलेक्ट्रोड का टिप पिघले और बेल्ट धातु पर जमा हो तो क्या प्रभाव होगा? तो इसका आंसर जो है दोस्तों हो जाएगा बेल्ट धातु में मिलावट होगा। 28वां क्वेश्चन है, वेल्डिंग करते समय वेल्डिंग टॉर्च टिप की स्थिति किस एंगल रेंज पर होगी? तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों 60 से 75 डिग्री। 29वां क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील वेल्डिंग करते समय किस प्रकार की वेल्डिंग ज़्यादा प्रयोग की जाती है? तो इसका आंसर जो है दोस्तों हो जाएगा टिक वेल्डिंग। 30वां क्वेश्चन है, टिक वेल्डिंग का प्रयोग करते समय इनर्ट गैस सिलेंडर का रंग क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पिकॉक ब्लू। 31वां क्वेश्चन है, 2.54 mm व्यास के टिक वेल्डिंग का उपयोग करते समय सही बीड आकार और दिखावट के लिए कौन सा गति प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा 22.5 सेंटीमीटर पर मिनट। 32वां क्वेश्चन है, टिक वेल्डिंग क्रिया में किस पदार्थ का प्रयोग गैस नोजल को बनाने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सेरामिक। 33वां क्वेश्चन है, टंगस्टन इलेक्ट्रोड के पिघलने की बिंदु क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 3410 डिग्री सेल्सियस, और कहीं कहीं पे आपको ये 3380 डिग्री सेल्सियस देखने को भी मिलेगा, तो वो भी सही है। 34वां क्वेश्चन है, टिक वेल्डिंग में आर्क को शुरू करने में सहायक या सहायता करने वाले इलेक्ट्रॉनिक यूनिट का नाम क्या है? तो इसका आंसर जो है दोस्तों हो जाएगा हाई फ्रिक्वेंसी यूनिट। 35वां क्वेश्चन है, टिक वेल्डिंग क्रिया में किस प्रकार का इलेक्ट्रोड प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर जो है दोस्तों हो जाएगा नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। 36वां क्वेश्चन है, सीम वेल्डिंग क्रिया द्वारा किस प्रकार के जोड़ को वेल्ड किया जा सकता है? तो इसका आंसर जो है दोस्तों हो जाएगा लैप जोड़ या लैप फिलर जोड़। 37वां क्वेश्चन है, कौन सी रेजिस्टेंस वेल्डिंग मशीन वी के आकार का इलेक्ट्रोड रखती है? तो इसका आंसर जो है दोस्तों हो जाएगा स्पॉट वेल्डिंग। अगला क्वेश्चन है, पहिए की आकार की सीम वेल्डिंग इलेक्ट्रोड में क्या पदार्थ होता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कॉपर। और आपको बता दूँ कि रेजिस्टेंस वेल्डिंग में जो इलेक्ट्रोड प्रयोग किए जाते हैं वे सभी कॉपर के बने होते हैं। 39वां क्वेश्चन है, कड़ा करने या कड़क करने के बाद कौन सी हीट ट्रीटमेंट चीजल के टफनेस गुण को प्राप्त करने के लिए दिया जाता है? तो इसका आंसर है दोस्तों हो जाएगा टेम्परिंग। 40वां क्वेश्चन है, एक मध्यम कार्बन स्टील को अपर क्रिटिकल तापमान के ऊपर गर्म किया और उसे तुरंत पानी में ठंडा किया गया, तब यह स्टील हो जाएगा। तो इससे दोस्तों स्टील हार्ड हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा हार्ड है। 41वां क्वेश्चन है, धातु के प्री हीटिंग तापमान क्या है यदि कोई मिश्रित स्टील में 0.3% कार्बन और 0.5% मोलिब्डेनम है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 150 डिग्री सेल्सियस से 260 डिग्री सेल्सियस। 42वां क्वेश्चन है, धातु के प्री हीटिंग तापमान क्या है यदि कोई मिश्रित स्टील में 0.3% कार्बन और 0.3% मोलिब्डेनम है? तो इसका आंसर जो है दोस्तों हो जाएगा 270 डिग्री सेल्सियस से 450 डिग्री सेल्सियस। 43वां क्वेश्चन है, बेल्ड जोड़ में आर्क बेल्ड डिफेक्ट को पहचानें। दोस्तों इस चित्र में जो डिफेक्ट दर्शाया गया है वो है लैक ऑफ रूट पेनिट्रेशन। 44वां क्वेश्चन है, कौन सा बेल्डिंग विधि या कौन सी बेल्डिंग विधि बेल्डिंग सरफेस के काम पर अधिक वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक करता है? तो इसका आंसर जो है दोस्तों हो जाएगा प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग। अगला क्वेश्चन है, कौन से मॉडर्न वेल्डिंग विधि में बढ़ते वोल्टेज का प्रयोग एक विधि की भिन्नता से होती है? तो इसका आंसर जो है दोस्तों हो जाएगा इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग। 46वां क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग में ट्रांसवर्स बीम ऑसिलेशन वेल्डिंग विधि के प्रयोग से कौन सी क्रैकिंग को ढाला जा सकता है? तो इसका आंसर जो है दोस्तों हो जाएगा सॉलिडिफिकेशन क्रैकिंग। 47वां क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग विधि में कौन सी कमी दूर की जाती है वाइडनिंग बेल्ट बीट के द्वारा? तो इसका आंसर जो है दोस्तों हो जाएगा सॉलिडिफिकेशन क्रैकिंग। 48वां क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन बीम बेल्डिंग विधि द्वारा जॉइंट के चौड़ा ना कर सकने का रुकावटी कारण कौन सा है? तो इसका आंसर जो है दोस्तों हो जाएगा इलेक्ट्रॉन बीम सीधी रेखा में यात्रा करते हैं। 49वां क्वेश्चन है, हाई मेटल वेल्डिंग डिपोजिशन रेट ऊपर दिए हुए तथ्य के लिए कौन सी वेल्डिंग विधि सबसे सही है? तो इसका आंसर जो है दोस्तों हो जाएगा सबमर्न आर्क बेल्डिंग। जिसमें टिक है वो गलत पे लगा है, इसका सही आंसर हो जाएगा सबमर्न आर्क बेल्डिंग। 50वां क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन बीम बेल्डिंग का सिद्धांत बताओ।
तो कांस्टेंट, इसका आंसर जो होगा वो दोस्तों होगा कांस्टेंट और पतले एवं मोटे धातु को पिघलाने की क्षमता। अगला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, यदि बेल्ड की जाने वाली सतह गीली हो तो क्या होता है? तो इससे जो इसका आंसर आएगा दोस्तों होगा इलेक्ट्रिक झटका लग सकता है। दूसरा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक आर्क से निकलने वाली हानिकारक किरणों के खतरे से बचाव के लिए हमें निम्न में से किसका प्रयोग करना चाहिए? तो इसका आंसर जो दोस्तों आ जाएगा बेल्डिंग शील्ड का। तीसरा क्वेश्चन है, माइल्ड स्टील फ्लर रॉड की कॉपर कोटिंग किस कारण से की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों धूल ऑक्सीजन से बचाने के लिए। चौथा क्वेश्चन है, बेल्डिंग केबल तथा इलेक्ट्रोड के बीच करंट संचालन के लिए निम्न में से कौन सी वस्तु का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रो होल्डर का। पाँचवा क्वेश्चन है, ऑक्सी एसिटिलीन उपकरण का संचालन यदि ठीक ढंग से किया जाए तो यह सुरक्षित है, अन्यथा यह विध्वंसक होता है। गैस के सिलेंडरों को उच्च तापमान के प्रभाव से दूर क्यों रखा जाना चाहिए? अगर उच्च तापमान से दूर नहीं रखेंगे तो दोस्तों इसमें आंसर हो जाएगा इसका सिलेंडर में विस्फोट हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है, आर्क वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड आर्क का तापमान किस सीमा में होता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों 3600 डिग्री सेंटीग्रेड से 4000 डिग्री सेंटीग्रेड। सातवां क्वेश्चन है, स्लैब को हटाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है दोस्तों हो जाएगा चिपिंग हथौड़े का, चिपिंग हैमर का। आठवां क्वेश्चन है, रासायनिक सफाई करते समय ट्रिमिंग सरफेस की धुलाई के लिए कौन से सॉल्वेंट का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हल्के हाइड्रोक्लोराइड तेजाब का। नौवा क्वेश्चन है, सॉफ्ट सोल्डर में आवश्यक तत्व निम्न में से कौन सा है? तो इसका आंसर जो है दोस्तों हो जाएगा टिन तथा लेड। जो सॉफ्ट सोल्डर या सोल्डर जो धातु होती है वह टिन और लेड की मिश्रण होता है। दसवा क्वेश्चन है, गैस के कटिंग करते समय नोजल कहाँ पर होनी चाहिए? तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वह होगा जॉब से 5 मिलीमीटर दूर, 5 mm अवे फ्रॉम द वर्क। इसमें भी टिक गलत पर लगा, इसका आंसर जो है वो होगा गा वाला। 11वां क्वेश्चन है, 6 मिलीमीटर मोटी प्लेट की गैस कटिंग करने के लिए कटिंग ऑक्सीजन का दबाव निम्न में से कितना होना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1.4 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 12वां क्वेश्चन है, सिंगल वी बट जोड़ को बेल्ड करने की लागत निम्न में से किस में कम होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी के कोण के सही समावेशन से। 13वां क्वेश्चन है, एक बेल्ड किए गए जोड़ में फ्यूजन जोन को धातु के पिघला बिंदु तक ऊष्मा दी जाती है, फ्यूजन जोन के साथ वाला जोन कौन सा होता है? तो दोस्तों फ्यूजन जोन के साथ वाला जो जोन होता है उसे ऊष्मा प्रभावित जोन या हीट अफेक्टेड जोन कहते हैं। 14वां क्वेश्चन है, ग्रे कास्ट आयरन की बेल्डिंग करने के लिए आप किस प्रकार की लॉ सेट करेंगे? तो इसका आंसर जो है दोस्तों हो जाएगा तटस्थ लॉ। तो दोस्तों इससे आगे वाला क्वेश्चन अगली वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।